ग्रेट चमार, रॉयल चमार, द ग्रेट वाल्मीकि, दबंग वाल्मीकि, यानी कि हम है द ग्रेट बहुजन। माननीय साहब काशीराम जी ने बहुजन का नारा दिया, हम बहुजन है द ग्रेट बहुजन। आपको बता देता हूं, बता देना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मैं गांव की धरती पर जाता हूं तो गांव में हमारी वो जनसंख्या बसती है जो इस दुनिया में हम 85% की बात करते हैं ना, 85% हमारी जनसंख्या ज्यादा है और हम फिर भी गुलाम है, देश पर राज नहीं कर रहे हैं। राज विदेशियों का, मनुवादियों का, हमारे राशन कार्ड बनवाने के नाम पर, चुनाव में दारू बांटने के नाम पर, लालच दे करके, नौकरी का लालच दे करके हमारी वोटों को ये छीनते आ रहे हैं। उसका कारण क्या है? मैंने पूछा कि हरिजन कौन है, उसका कारण ये है कि हम हरिजन हैं। जिस दिन हमने ये समझ लिया ना कि हम हरिजन नहीं हैं, उस दिन उद्धार हो जाएगा, उस दिन वास्तविक कल्याण हो जाएगा। डेफिनेशन दो शब्दों में बता देता हूं आपको मैं। ये बहाना बना देते हैं, आपको पता है ये मनुवादी जो है ना, ये बहुत शातिर होते हैं। कोई भी व्यक्ति को जहर हो या नशा हो, उसकी डोज अगर धीरे धीरे दी जाती है तो जिसको डोज दी जा रही है जहर की या नशे की, उस आदमी की मृत्यु तुरंत नहीं होती, वो धीरे धीरे तिल तिल के, तड़प तड़प के 10 साल बाद मरता है। जय भीम। और यही डोज मनुवादी हमें देते हैं, धीरे धीरे जा करके, तड़प करके जब मृत्यु होती है। और वो डोज कौन सी आपको बताए? धर्म की डोज, आस्था की डोज। वो डोज कौन सी है पता है? डर की डोज और लालच की डोज। तुम तो सबसे बड़े हो, तुम तो हरिजन हो, हरि के जन। अरे भैया, क्या हम ही हरिजन है? तुम क्यों नहीं हरिजन हो? सारे अधिकार तुम्हारे पास, मंदिर में बैठने की पावर तुम्हारे पास, हमारे लोगों को घुसने नहीं दिया जाता। तभी हम कहते हैं मंदिरों का बहिष्कार करो। सारे अधिकार तुम्हारे पास, संसाधनों पर तुम्हारा अधिकार, सरकारी नौकरियों पर तुम्हारा अधिकार, स्कूलों के अंदर तुम्हारा कब्जा। कोई चमार वाल्मीकि कभी स्कूल चलाते हुए देखा है क्या? इक्का दुक्का को छोड़ करके जिन्होंने एजुकेशन हासिल कर ली वही स्कूल चलाते हैं ना, कोई स्कूल चलाता देखा है क्या? सारे लोग स्कूल चलाते हुए आपको वो मिलेंगे जो अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं, उच्च वर्ग का कहते हैं। तो सारे अधिकार इनके ही पास, तो क्या ये हरिजन नहीं है? क्या ये हरि के जन नहीं है? अगर ये हरि के जन नहीं है तो हरि हमारा बाप कैसे हुआ, बताओ? जवाब दो हमें। हरि हमारा बाप नहीं है, हमारे बाप है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हम अपने बाप को बाप कहें, ये हमारे बाप को चाचा भी कहेंगे और रिश्ते में तो जीजा लगते हैं हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने। सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए और सच हमेशा कड़वा होता है, और सच बोलने की जिसमें हिम्मत होती है तरक्की वही करता है, देश पर राज वही करता है। मैं क्या चाहता हूं? ये बच्चे भी बोले। मैं क्या चाहता हूं? मेरे युवा भी बोले। मैं क्या चाहता हूं? मेरे बुजुर्ग भी बोले, मेरी माताएं भी बोले, मेरी बहनें भी बोले। सिर्फ जय भीम बोलने से क्रांति नहीं होती, जय भीम से तो मनुवादियों को मिर्ची लगती है। और हाँ, एक बात और कहता हूं, जिस भाई ने जय भीम की इज्जत करनी सीख ली, जय भीम अभिवादन करना शुरू कर दिया, जिनके दिमाग में गंदी सोच है ना, जो हमें नीच समझते हैं, वे लोग आपसे डरना शुरू कर देंगे, घबराना शुरू कर देंगे, फिर आपके ऊपर अत्याचार नहीं होगा कभी। नजदीक में ही है, हरियाणा के अंदर बहुत सारे कांड हुए, कितने गिनाऊं? टीवी में आपने देखे होंगे, भगाना कांड, दुलीना कांड, दुलीना तो आपके नजदीक में ही है, मिर्चपुर कांड,
ये इतने भयावह कांड हुए हैं, एक सुनपेड़ कांड फरीदाबाद में, इनकी हिस्ट्री पूरी निकाल करके देखना कि हमारे लोगों पर कितने अत्याचार होते हैं। अब जो ये अत्याचारों की समाप्ति अगर हो सकती है ना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने तीन नारे बता दिए। पहला नारा शिक्षित बनो, दूसरा संगठित रहो और तीसरा संघर्ष करो। कितने लोग तैयार होंगे इस काम के लिए बताओ? सारे तैयार हैं। वो ना चाहिए बाद में पता लगे कि भाई क्रांति करने के लिए जा रहा है और बहन की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो क्रांति चाहिए जैसे सुप्रण खां का बदला लेने के लिए सेना पहुंच गई थी। पता है आपको, सुप्रण खां की नाक काटी गई और बदला लेने के लिए पहुंच गए थे। इसी तरह से हर बहन को बनना पड़ेगा मजबूत। ऐसा ना चाहिए कि मां कहती है बेटा हमारा बुढ़ापा खराब हो जाएगा, बाप कहता है बेटा हमारा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। पड़ोसियों के घर में कभी उधम सिंह पैदा नहीं हुआ करते, अपने घर से पैदा करने होते हैं। पड़ोसियों के घर से क्रांति नहीं होती, अपने घर से करनी होती है। हम अपने घर में आग लगाकर अगर क्रांति करने निकले हैं तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे ही समाज के लोग उस आग में हाथ सेकें। अगर हम अपने घर में आग लगाकर क्रांति करने निकले हैं तो मैं अपने समाज से ये उम्मीद करूंगा कि मेरे समाज के लोग उस आग को बुझा देंगे और क्रांति की मशाल जला देंगे। ये मैं समाज से उम्मीद करूंगा। अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। जो युवा वर्ग आज ये सोचता है कि उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, पूछ लो किसी से कि भाई वहां पर सम्मेलन हो रहा है। किसका सम्मेलन हो रहा है? भीमसेना का हो रहा है, भीम जय भीम का सम्मेलन हो रहा है, या हमारे किसी संगठन अन्य का हो रहा है। उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसको ताश खेलने से ही फुर्सत नहीं है। कड़वी सच्चाई है ये समाज की। अब समाज को यह बात समझनी पड़ेगी, कहने भर से पूरा नहीं होता कि भाई आप संघर्ष करो हम आपके साथ हैं, बहनों आप संघर्ष करो हम आपके साथ हैं। यमन जी के लिए भी बोल देंगे, यमन भाई आप संघर्ष करो हम आपके साथ हैं। साथ खड़े होना पड़ेगा। अगर ये सरकार अगर हमारे ऊपर शोषण करती है, हमें जेल भेजती है, तो चार लोग अपने आप ही पीछे हट जाएंगे। भाई उसको जेल होगी तो क्या हमें भी हो जाएगी? मेरे ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर 37 मुकदमे दर्ज है। हिम्मत है योगी आदित्यनाथ की, हाथ को लगा के दिखा दे। हरियाणा के अंदर 5 मुकदमे दर्ज है। 2 अप्रैल जब भारत बंद हुआ तब देश के 10 राज्यों में 25 मुकदमे दर्ज हुए थे। हाई कोर्ट से जमानत पर हूं। मैं नहीं डरता किसी से, मैं तो अपनी मां के लिए फालतू नहीं, मैं तो अपने पिता के लिए फालतू नहीं, मैं तो अपने बच्चों के लिए फालतू नहीं। आज भी मेरा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हैं जो मेरे फादर हैं, आर्मी से रिटायर हैं। मेरी माता जी आज भी मेरी पीठ थपथपाती है, क्योंकि उन्होंने मुझे समाज के लिए समर्पित कर दिया है। मैं वो जोश देखना चाहता हूं समाज में। मैं नहीं चाहता कि समाज के युवाओं पर मुकदमे लगे, वो जेल चले जाएं। मैं नहीं चाहता कि समाज के अंदर विघटन पैदा हो या समाज में फूट पड़े। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, ये मनुवादी बहुत शातिर हैं, ये भाईचारे की बात करेंगे आपके सामने और आपको नीच कहेंगे। आप भाईचारा निभा दोगे लेकिन ये नहीं निभाएंगे। जब बारी आएगी
रिजर्व सीट की इलेक्शन लड़ने की वहां तुम्हें खड़ा कर देंगे और तुम्हें हरा भी देंगे अपना चमचा खड़ा करके। और जहां जनरल सीट की बारी आएगी वहां ये मनुवादी खुद चुनाव लड़ेंगे, आपको आगे भी नहीं आने देंगे। वो है तुम्हारी औकात इनके सामने। ये कड़वा सच है, ये भाईचारे की बात करते हैं, हमें समझना पड़ेगा। इनके सामने भाईचारा कुछ नहीं है, बस एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी जो युवा वर्ग के साथ ही है ना, बहुत सारे ये समझते हैं कि हमें वो क्रांति करनी है जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने कलम की ताकत के तहत क्रांति की। ऑलराउंडर बनना पड़ेगा भाई, कलम की ताकत के सामने अगर आपके ऊपर कोई एट्रोसिटी हो गई, थाने में मुकदमा लिखवाने के लिए गए तो थानेदार चार छितर मार के भगा देगा, कलम की क्रांति काम नहीं आएगी। और जब भीमसेना का डंडा भी मजबूत होगा, डंडा लेकर थाने में पहुंच जाएंगे ना, तो थानेदार सिर झुकाते हुए बाहर आएगा और अंदर लेके जाएगा, भाई हम FIR दर्ज करेंगे। वो है ऑलराउंडर ताकत, डंडे की ताकत, संविधान के साथ साथ तलवार की भी ताकत समझनी पड़ेगी हमें। इसे भी मजबूत होना जरूरी है। अगर कलम मजबूत कर ली, तलवार मजबूत कर ली, तो होगा क्या पता है आपको? भाईचारा निभाओ आपस में। कोई उच्च वर्ग का कहने वाला अपने आप को हमारा भला करके नहीं जाएगा, वो आपके साथ भाईचारा निभाने की बात करेगा। लेकिन एक बड़ा सच बता देता हूं, कड़वा सच, चमार, धाड़क, जाटव, वाल्मीकि, इनमें क्यों नहीं भाईचारा बनाते, आपस में लड़ते रहते हैं? सच्चाई है कि नहीं है? बढ़ता है भाईचारा? नहीं बढ़ता ना। चमार कहेगा मैं बड़ा, वाल्मीकि कहेगा मैं बड़ा, धाड़क कहेगा मैं बड़ा, खटीक कहेगा मैं बड़ा। बड़ा ना कोई, बड़ा तो वो है जो सबसे ऊपर बैठा है, आपके जन्म के समय भी खाता है और जब मौत होती है तो मौत के समय भी खाता है, और शादी होती है तो शादी पे बैठ के भी खाता है। सोच लो कौन है? सच्चाई है, सच्चाई है कि नहीं है? सबसे बड़ा वो है। हमारे को तो इन्होंने अधिकार नहीं दिए बड़ा होने के, बड़ा करने के। तो आपस में जितनी अनुसूचित जाति जनजातियां हैं, OBC है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक वर्ग है, ये अपने अंदर भाईचारा बना लो, देश का उद्धार हो जाएगा। संविधान हम लागू करा देंगे, EVM मशीन को हम बैन करा देंगे, लेकिन समझ लेना जहर को जहर मारता है और लोहे को लोहा काटता है। हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने, मान्यवर साहब काशीराम जी ने अगर कलम की क्रांति की है तो उस कलम की क्रांति को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जो ये हरिजन नाम महात्मा गांधी ने हमें दिया था, वो हरिजन नहीं बनना हमें। महात्मा गांधी ने कहा था आपके गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे ना तो दूसरा भी गाल आगे कर दो। करेगा कोई दूसरा गाल आगे? नहीं करोगे ना? अगर आपके गाल पे कोई एक थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल आगे करोगे कि नहीं करोगे? आवाज बताओ, आवाज लगाओ। नहीं करेंगे। तो वो है कलम की क्रांति के साथ साथ सीधी वो क्रांति जो सीधा आगाज करती है अलटवार का पलटवार, मुंह तोड़ जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से। वो क्रांति की बात कर रहा हूं मैं। ऑलराउंडर बनो, शिक्षा में भी आगे जाओ, पढ़ाई में आगे जाओ, और कोई आपके घर के ऊपर हमला करे तो उसको भी उसकी औकात बताने के लिए याद तैयार रहो। मेरे साथ जो अपनी टीम के सदस्य यहां पहुंचे हैं, भीम सेना के राष्ट्रीय प्रभारी अभय सिंह जी, भीम सेना हरियाणा के सचिव कैलाश रंगा जी, भिवानी के लोहारू तहसील से अध्यक्ष भाई प्रदीप जी, दादरी से भीम सेना अध्यक्ष भाई संदीप अंबेडकर जी, और कई साथी हमारे साथ नहीं आए हैं, भाई अनिल तंवर जी,
कि चाचा जी का देहांत हो गया था, जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी है वो आ नहीं पाए और काफी और साथी है जो नहीं पहुंच पाए। हमारे दिल अजीज प्रिय मित्र, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई कुलदीप से। जोरदार तालियां भाई कुलदीप सरोया जी के नाम। टीचर हैं, अपने परिवार का काम भी करते हैं और समाज सबसे बड़ा परिवार तो समाज को जागरूक करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। गीतों के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से हमारे बहुत ही प्रिय साथी और भाई भाई टिंकू कृष्ण जी अपने क्रांतिकारी गीतों से पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। और अभी नए नए गीत और आएंगे। संदीप बराड़ भाई जी निकल गए हैं, बड़े भाई मंजीत मेहरा जी का नाम भी लूंगा, वो भी निकल गए हैं। संदीप बराड़ भाई यही है, गए नहीं है। संदीप बराड़ भाई ने बहुत सारे गीत लिखे हैं और हमारे ये नहीं है कि सिर्फ गीत ही लिखते हैं, गाते ही है। हर एक क्षेत्र के अंदर, चाहे वो लोगों को कैडर के माध्यम से जागरूक करने के प्लान हो, कार्यक्रम हो, उस माध्यम से भी करते हैं। और सबसे पहले जो शिक्षा की अलख माननीय साहब काशीराम जी ने, महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी ने जगाई, उनको भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जितने साथी यहां बैठे हुए, पूरी टीम जो गायन मंडली है, पूरी टीम, इनको भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। भाई मंजीत मेहरा जी चले गए, भाई यमन गुढ़ा जी, एक चीज क्लियर कर दूं मैं, सबसे पहले अभी कुछ दिन पहले हरियाणा की पूरी भीम सेना को भंग कर दिया गया था तुरंत प्रभाव से। कारण क्या था, हरियाणा में बहुत बड़ा तहलका करने का इरादा है और वो तहलका करने की जो अलख मैंने देखी, जो दिल में आग देखी मिशन के लिए और भीम सेना के लिए, और जो हमारे बहुजन समाज के मूल निवासी जो साथी हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं दिन रात, उनको एकता की डोर में पिरोने की जो काबिलियत देखी, वो भाई मैंने यमन गुढ़ा के अंदर देखी है। आज गुढ़ा गांव के मंच से भीम सेना के पदाधिकारियों की मौजूदगी में भीम सेना बोर्ड में विचार वार्तालाप करने के बाद भीम सेना संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर भाई यमन गुढ़ा को हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। नियुक्ति पत्र देकर के भाई को शपथ दिलाई जाएगी, इसके बाद में जाऊंगा। सारी जितनी बॉडी भंग की गई है हरियाणा के अंदर, ध्यान से सुने और मुझे लाइव में भी साथी सुन रहे हैं, हरियाणा के अंदर जितनी बॉडी भंग की गई है पूरे हरियाणा की भंग कर दी गई है, लेकिन स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष पद पर जो नियुक्ति करेंगे भीम सेना बोर्ड की सहमति से विचार करके भाई यमन गुढ़ा जी स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, और जो पद ऑलरेडी चल रहे हैं वो पद हम कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट भीम सेना के ओनली। भिवाड़ी के लोहारू की टीम जैसे थी वैसे ही भाई प्रदीप के नेतृत्व में कंटिन्यू काम करती रहेगी। दादरी की टीम भाई संदीप अंबेडकर जी के नेतृत्व में जैसी थी वैसे ही काम करती रहेगी। दोनों के अध्यक्ष पद को हम सुचारू रूप से कंटिन्यू करने का काम करते हैं। इसके अलावा झज्जर जिले की टीम जैसे पहले की तरह काम कर रही थी, झज्जर जिला मुख्य कार्यकारिणी
जिला अध्यक्ष झज्जर भाई हितेश के नेतृत्व में जैसे काम कर रही थी वैसे ही काम करती रहेगी। इस तरह से हम पूरे हरियाणा की स्टूडेंट विंग भीम सेना को और भिवानी के लोहारू और दादरी भीम सेना को कंटिन्यू करते हैं और झज्जर जिले की भीम सेना को कंटिन्यू करते हैं। बाकी की सारी जिला बॉडी जो होंगी विधानसभा तहसील तालुका ग्रामीण लोकसभा जोन उन सबको पूरी करने का काम भाई यमन गुड़ा जी राष्ट्रीय टीम के सहयोग के साथ करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, कांटों का ताज सिर पे होता है जिसके ऊपर अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है और मैं आशा करता हूं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी कर्तव्य परायणता के साथ ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज में एकता कायम करेंगे। जो समाज जगह जगह संगठनों में बटा हुआ है, हर गांव के अंदर हर घर से एक भीम सैनिक हमें चाहिए, हर गांव के अंदर भीम सेना पंचायत कार्य करेगी, भीम सेना पंचायत का एक प्रधान होगा, एक मुखिया होगा, एक सरपंच होगा, भीम सेना अपनी अलग पंचायत होगी। जो गांवों के अंदर हमारे समाज के लोगों पर अत्याचार होते हैं और काम राम कह करके समझौते करवा दिए जाते हैं, भीम सेना पंचायत उसका तोड़ होगी सबसे बड़ा। एट्रोसिटी एक्ट तो होगी नहीं, यदि होगी तो सीधा जेल करवा दी जाएगी। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो भीम सेना में इतना दम है कि भीम सेना उस अत्याचारी को उसके घर से उठा करके ले आएगी और सजा दे देगी। भीम सेना, भीम सेना, इंटरनेशनल भीम सेना का निर्माण जल्द किया जा रहा है, इसकी रूपरेखा पूरी तैयार है, हम करेंगे। अब बात हरियाणा की आ जाती है तो दो बात हरियाणा पर होनी बहुत जरूरी है। एक बड़ी सच्चाई की बात है जो अंबेडकरवादी साथी है उनको मैं सैल्यूट करता हूं, अलग जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन गांवों के अंदर जो खेत की मेड़ होती है ना, डोड़े जिनको बोलते हैं, खेतों के डोड़े से आगे आवाज नहीं उठती। अगर कहीं अत्याचार होता है तो गांव के जो ये सरपंच पंच बड़े फिरते हैं ये वहीं पर ही समझौता करवा देते हैं। अब भीम सेना गांवों से बाहर निकल के, उन डोड़ों से बाहर निकल के जिसके साथ अत्याचार होता है उसको थाने तक पहुंचाने का काम करेगी। और इसमें आप सबका साथ मांगता हूं। सपना चौधरी तो सबने देखी है, चाहे टीवी में देखी हो चाहे रियलिटी में देखी हो। हरियाणा के अंदर अगर उसको सबक नहीं सिखाया जाता ना, तो सरेआम भरे मंचों पे ये जो हमें गाड़ियां देते थे ना, ऐसे ही आज भी दी जाती है, ऐसे ही आज भी हमें भरे मंचों पर गालियां दी जाती। जब उसने दी थी आज 10 और देते। अब हिम्मत किसी की मंच के ऊपर, हिम्मत किसी की कोई कह के दिखा दे बावड़ी जात चमारा की। इन चमारों ने हाई कोर्ट तक नाक रगड़वा दी और जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी नाक रगड़वा देंगे। बड़े भाई नवाब सतपाल सवर जिंदाबाद। अभी गुड़गांव कोर्ट में केस चल रहा है, 1.5 करोड़ तक के ऑफर आए हैं, समझौता नहीं किया, क्योंकि अगर हम ही समझौता करेंगे तो अपने समाज को हम क्या शिक्षा देंगे। जानलेवा हमले हुए, 4-4 बार गोलियां चल चुकी हैं। अगर मिशन में हमारी मौत भी होती है, शहीद कहलाएंगे, लेकिन बुजदिल की तरह, गुलामों की तरह जिंदगी जीना हमारे बस की बात नहीं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने सिर उठाकर जीना सिखाया है, तो सिर उठाकर ही जिएंगे। और सामने वाला अगर मनुवादी हमारे समाज के लोगों पर अत्याचार करेंगे या उन्हें दबाने का काम करेंगे या उनके अधिकार छीनेंगे, तो उनके सर झुका देंगे
और सर अगर झुकाए नहीं तो गर्दन काट भी सकते हैं और कटा भी सकते हैं, तैयार है। ज्यादा बात ना कहते हुए प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाए, बस एक जोरदार नारे के साथ, और दिल में बीतनी चाहिए, लगनी चाहिए, सुन के अपने घर मत चले जाना। क्रांति करनी है, बड़े वाली करनी है, और वो करनी है ना बिकने वाला समाज बनाना। तो दिल में सोच लेना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बड़े भाई नवाब सतपाल तंवर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जय भीम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।